अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बस जुड़ जाएं सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग सुनीता देवी एकेडमी। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशन का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें से कह रहा है कि हमें 4 लेटर का कोड बनाना है यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और एक बार जो लेटर यूज़ हो गया वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। सो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या कंडीशंस दी गई हैं उसे देखते हैं। तो पहला कंडीशन ये है कि हमें 4 लेटर का कोड बनाने के लिए फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ही यूज़ करना है। तो ये रहे फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेकंड कंडीशन दी गई है कि जो भी लेटर्स एक बार यूज हो जाएगा वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, यानी नो लेटर्स कैन बी रिपीट। सो 4 लेटर का कोड बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 बॉक्स बना देंगे। नाउ अब ये बताइए कि इस बॉक्स में कोई एक लेटर लिखने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं। नाउ हमारे पास टोटल 10 लेटर्स हैं, इन 10 में से कोई भी लेटर इस बॉक्स में लिखा जा सकता है, इसलिए इस बॉक्स में हम 10 लिखेंगे। नाउ अब टोटल हमारे पास 9 लेटर्स बचे हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं इस बॉक्स में फिल करने के लिए, क्योंकि कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास इस 4 लेटर के कोड में हमने सबसे पहले वर्ड जी यूज़ कर लिया। अब जी लिखने के बाद इस प्लेस पे किस लेटर को लिखा जाए, वो टोटल 9 लेटर्स बचे हैं क्योंकि जी को हमने यूज़ कर लिया, इसलिए दोबारा जी को नहीं लिख सकते हैं। तो टोटल लेटर्स बचे, इन 9 लेटर्स में से कोई भी लेटर इस प्लेस पे यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, क्योंकि एक लेटर तो पहले यूज हो चुका है। अब टोटल 9 लेटर्स बचे हैं सेकंड प्लेस पे यूज़ करने के लिए। इन 9 लेटर में से कोई एक लेटर इस प्लेस पे भी यूज हो जाएगा, देन थर्ड प्लेस पे यूज करने के लिए हमारे पास कितने लेटर्स बचेंगे, कितने लेटर्स के ऑप्शन बचेंगे, 8 लेटर्स के ऑप्शन बचेंगे। जैसे कि इसमें से मान लेते हैं कि हमने H को सेकंड प्लेस पे यूज कर लिया, अब टोटल हमारे पास थर्ड लेटर इस प्लेस पे रखने के लिए 8 ऑप्शन बचेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे 8 लिखा। नाउ मान लेते हैं यहाँ पे हमने F लिख दिया, अब इस प्लेस पे लिखने के लिए हमारे पास कितने लेटर्स के ऑप्शन बचे हैं, वेल 7, क्योंकि F भी एक बार यूज हो चुका है और H भी एक बार यूज हो चुका है। तो इस प्लेस पे लिखने के लिए हमारे पास 7 लेटर्स बचे जिनका यूज हम कर सकते हैं। मान लेते हैं इस प्लेस पे हमने A लिख दिया, सो यहाँ पर हमारे पास एक 4 लेटर का कोड बन गया है। नाउ इस पे देखते हैं, अब 7 × 8 × 9 × 10 इज इक्वल टू 5040। सो दिस इज द सॉल्यूशन। हम फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ करके 5040 लेटर कोड बना सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें सुनीता देवी एकेडमी के साथ। थैंक यू।